तो वीवीए मार्क को प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डेटा टाइप या वेरिएबल्स कह सकते हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं टेम्पररी डेटा शेप के लिए। चलिए, क्योंकि इससे पहले की हमारी कई सारी क्लासेस में देखा होगा कि हमने डेटा टाइप का इस्तेमाल किया था, इसमें हमने डिफाइन नहीं किए थे, डायरेक्ट हमने एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ ले लिया था। एक्चुअल में होता क्या है, कैसे डिफाइन करना है, क्यों डिफाइन करना है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम डेटा को यूज क्यों करेंगे। डेटा को यूज क्यों करेंगे, डेटा टाइप्स को यूज क्यों करेंगे? जैसे कि मान लीजिए, हाँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए 20 और 30 है, राइट? 20 और 30 का रिजल्ट क्या आएगा, 50 आएगा। इस 50 को कहीं स्टोर करना होगा ना सर, तो इस 50 स्टोर करने के लिए हमें खाए तो अपने रेंज का देना पड़ेगा कि रेंज A1, B1, C1 जो भी लिख दीजिए डॉट वैल्यू। तो इसकी जो इसकी 50 रिजल्ट होगा A1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हम हमेशा A1 पे करेंगे तो हमें A1 को तो फिक्स रखना पड़ेगा ना, खाली रखना पड़ेगा। मुझे A1 उसका रखना पड़ेगा। क्या सर? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसलिए एबीसीडी दे देते हैं। जैसे हमने ए लिख दिया तो ए क्या हुआ, एक टेम्परली सेविंग लोकेशन आपके सिस्टम में क्रिएट हो गई जो कि सिर्फ इस मैक्रो के लिए की गई है। ये मैक्रो जैसे खत्म हो जाएगी और ये जो रिजल्ट है ए पे स्टोर हो गया, उसके बाद आपको जहां चाहिए से एनएसजी बॉक्स हमने किया और हमने कर दिया ए। अब ये ए वहां से हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 50 हो गया, तो जहां 50 की जरूरत है वहां ए को यूज कर लेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप टेम्पररी सेविंग लोकेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें ये हुआ कि आखिर हम सीधे भी सीधे लिख देते हैं तो कहीं कहीं आपने देखा होगा डिफाइन करते हुए, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे डिम ए एज ए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया। तो पहले चीज हम डिफाइन क्यों करेंगे और हमने लॉन्ग क्यों लिखा। ये डिफाइन करने से क्या होगा, डिफाइन करने से ये होता है कि आपका ए एक कास्ट डिफाइन हो जाता है, ठीक है, एक कास्ट डिफाइन हो जाता है। मतलब कि लॉन्ग हो गया तो लॉन्ग हो जाएगा। डीम क्या है, डीम है डायमेंशन, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन में ए नाम का एक लोकेशन क्रिएट होगा जिसका टाइप लॉन्ग होगा, मतलब कि वो लॉन्ग डेटा को ही स्टोर करेगा। समझ गए? हाँ। अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो वो वेरिएंट हो जाता है, हम डायरेक्ट एबीसी है तो अपने आप को वेरिएंट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट का लेता है ए। एग्जैक्टली क्या होता है वेरिएंट, मींस वो ए इक्वल टू 50 आ जाएगा और डी डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा। डेटा टाइप है ना, मैं भी समझाता हूँ आपको। ओके, समझाता हूँ। चलिए अब देखिए कि हमारे पास पहले हमें देखना होगा कि आखिर डेटा टाइप होते कितने हैं। सबसे पहले हमारा होता है डिम बी एज ए बाइट, फिर होता है हमारा डिम आई एज ए इंटीजर, आई की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, बी की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, नाम अपने हिसाब से दे दीजिए। डिम
L as a long. It dim. B L as a bullet. Dim कर दो चीज़ को. Dim dim dim. उसके बाद होता है dim. D as a double. It dim. DT as a deed. It dim. S as a string. It dim. V as a variation. Yeah, variation. B as a byte. तो ये क्या हुआ कि आप B के ऊपर 0 से लेके 255 तक आप स्टोर कर सकते हैं सिर्फ. अगर 255 से ज्यादा या माइनस में आप देंगे, माइनस में देंगे तो आपको ओवरफ्लो या टाइम मिसमैच. डेसिमल में डालेंगे आप, मान लीजिए B इक्वल टू आपने लिया 25 30, तो 25 को ये स्टोर करेगा, 30 को छोड़ देगा. इंटीजर क्या है? आपका इंटीजर जो है ये आपका माइनस 32,000 से प्लस 32,000 समथिंग चलता है. माइनस 32,000 से प्लस 32,000 चलता है, लेकिन डेसिमल्स ए भी स्टोर नहीं करता है. डेसिमल स्टोर नहीं करता है. L as a long, L के ऊपर आप जो है कोई बड़ी वैल्यू करोड़ों अरबों में डाल सकते हैं, ठीक है? Okay. L के ऊपर में आप ट्रू एंड फॉल्स डाल सकते हैं, क्योंकि ये बुलियन होता है, मतलब कि ये लॉजिकल वैल्यू देता है. अब D बड़ा है, इस पे आप किसी भी तरह का नंबर इन द डेसिमल इन द माइनस कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कि ए जो है इन तीनों से बड़ा होता है और डेसिमल भी एक्सेप्ट करता है. डी टी ए क्या है? ये डेट एक्सेप्ट करता है. इसके ऊपर आप डेट को टेक्स्ट में लिखोगे वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेट में कन्वर्ट. बाय डिफॉल्ट कौन से फॉर्मेट में रहता है डेट जो आती है इसमें? डेट क्या बाय डिफॉल्ट में नहीं, एमएमडीटी वाईवाई डीटी एमएमवाईवाई. वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. आपने यूएस फॉर्मेट लिया है तो आपका एमएमडीटी वाईवाई होगा, आपका इंडिया फॉर्मेट है तो डीटी वाईवाई होगा, वो आपके सिस्टम की रीजनल से. ठीक ठीक dim s as a string, तो इसके ऊपर आप कोई भी नंबर कैरेक्टर डाल सकते हो, मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव डेटा, ऐसी डेटा जिस पे कैलकुलेशन ना हो सके, इट मीन टेक्स्ट. अगर आप समझे ही वेरिएंट में, अब इसका है कि वेरिएंट जो होता है, अब मान लीजिए कि आपको कंफ्यूजन है, अब मान लीजिए वी लुकअप की देख लीजिए, वी लुकअप में आपका जो लुकअप वैल्यू होता है और डेट भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अब आपको यहाँ पे इनपुट डिफाइन नहीं है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो वी यूज द वी के ऊपर अगर हमने नंबर डाला तो ए बाय, अगर छोटा मैं काउंट डालूंगा तो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू फॉल्स किया तो ठीक है. तो ये आपके ऊपर है, एक में दीजिएगा. तो एंड क्या हुआ कि एज पर वैल्यू, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि बाकी बैट्समैन और बॉलर है, ये हमारा ऑलराउंडर है. अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ऑलराउंडर पड़ा हुआ है तो मैं एक पर्टिकुलर क्यों, इसके दो रीजन है. पहला कन्वर्जन, जैसे मान लीजिए कि मुझे राउंड, मान लीजिए कि मुझे डेसिमल्स नहीं लेने, मुझे राउंड करना है, तो अगर हमने ए वेरिएंट लिया तो डबल को ले लेगा, तो वो मान लीजिए कि यहाँ एल इक्वल टू मैंने, अगर एल इक्वल टू मैंने अगर कोई डेसिमल्स दिया तो एल जो है इसको राउंड कर लेगा, ऑटोमेटिकली राउंड कर. इसकी प्रॉपर्टी है लॉन्ग, ए लॉन्ग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, डेसिमल को एक्सेप्ट नहीं करता, डेसिमल अगर मिलेगा उसको राउंड कर लेगा. लेकिन वेरिएंट के केस में तो हमें राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना सर. ये पहली प्रॉब्लम होगी. दूसरी प्रॉब्लम तो टेक्निकल है. देखिए जब भी सिस्टम में जब जनरेट होता है आपका कोई भी वेरिएबल जनरेट होता है तो उसका एक
साइज होता है, सिस्टम एक साइज लेता है, तो बाइट जो है आपका वन बाइट का, टू बाइट का लेता है इंटीजर, फोर बाइट का लॉन्ग, एट बाइट का बुलियन, आई थिंक फोर बाइट है, डबल भी आई थिंक एट बाइट है, 16 बाइट है, मतलब इधर समझिए कि वेरिएंट आपका सबसे ज्यादा लेता है, 32 16 टू 32 बाइट लेता है। अब क्वेश्चन आता से तो बाइट में है हमारा, तो रैम 8 GB है, हार्ड डिस्क 2 TB है, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है क्योंकि एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज 255 KB होना चाहिए, समझे? तो अगर छोटे मोटे बैच में बना रहे हो तो आप धड़ल्ले से वेरिएंट ले सकते हो, लेकिन बड़ा माइक्रो आप बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि ज्यादा बड़े पर हमारा नहीं होना चाहिए वेरिएंट, समझे? तो दो चीजें पहली आपकी हो गई कि हमें कन्वर्जेंस करने हैं ताकि कन्वर्ट होगा हो तो वेरिएंट भी नहीं हो सकता। जैसे वेरिएंट पे आपने कि टेक्स आप वेरिएंट दे दिया, वेरिएंट पे आप डेट डालोगे तो डेट को तो टेक्स ही ले लेगा ना सर, क्योंकि टेक्स फॉर्मेट में डाला हुआ है, डेट पे कन्वर्ट होने के लिए डेट होना चाहिए, तो इस केसेस में लेते हैं। तो वेरिएबल समझ में आ गया आपको? डाउट हरी जी एंड विजय जी? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। ओके, अब बात आती एक, अब समय आ गया है, आप लोग मैक्रो के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो अब आ गई आपको प्रोवाइड करने की। तो आपको हम एक एक ये दे देते हैं, बुक दे रहे हैं, बुक के साथ साथ दो वीडियो भी है, उसको भी देख लीजिएगा। ये आपको ये हमारा बुक है वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग का, ठीक है? इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी हार्ड कॉपी आप परचेज कर लीजिएगा, 500-600 रुपए के आसपास आती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगी, या फिर अगर आप नेहरू प्लेस में जाएंगे तो नेहरू प्लेस में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? अगर हार्ड सॉफ्ट कॉपी में आप कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन बाय हार्ड कॉपी। ओके, ये हमने आपको भेज दिया। अब इस बुक में आपको पढ़ना है 199 पेज वेरिएबल्स के बारे में ज्यादा जाना होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे पूछ देते हैं कि सर ये बुक हमें पहले क्यों नहीं दिया आपने, हमें भी है क्या? हेलो, एक क्वेश्चन आपके मन में क्या, ये बुक हमें पहले क्यों नहीं दिया? अभी उस टॉपिक पे ये टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ तो शायद इसलिए दिया होगा, अपने बेसिक पहले क्लियर कराया थोड़ा सा। बेसिकली क्या है कि जैसे नहीं, जैसे बुक आप खोलिएगा तो इस बुक का ऑथर है, ऑथर ने क्लियर लिखा, बेसिक कांसेप्ट पता चाहिए कहीं पे, इसकी सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, हार्ड कॉपी में था, इस बुक में लिखा हुआ था, यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है, इस बुक में लिखा हुआ था कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, दिस बुक नॉट फॉर द बिगिनर, ये लिखा हुआ था, इसकी हार्ड कॉपी मेरे पास थी, okay. लिखा हुआ था, ठीक है? ठीक है, ये बुक बिगिनर के लिए नहीं है। आप जब वीवीए ज्वाइन किए थे तो मेरे लिए तो बिगिनर ही थे ना, इसलिए सर। और ये 2010 का लेटेस्ट वर्जन का परचेज कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन का मेरे पास नहीं आया है, बट कोई वीवीए प्रोग्रामिंग में कोई खास चेंजिंग नहीं होता है, अच्छा ठीक है ना? ओके सर, तो इस बुक का, इस बुक को अपने हिसाब से आप पढ़िएगा, इसके इससे पहले तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस वगैरह है, तो आप, आपको टाइम मिले तो इसको आप पढ़ सकते हैं।
अदरवाइज ओके पेज नंबर 199 पे जाएंगे तो जो टॉपिक आज हमने आपको कराया है वो आपको वहां मिलेगा। ठीक यहाँ आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो वहां पर आता है, लेकिन ऐसे आप 225 नंबर यहाँ डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा पेज नंबर 199, इसका पे बुक का पेज नंबर 199। ठीक देखिए पूरा टेबल दिया हुआ है, इससे पहले भी इसके बारे में कुछ समझाया हुआ है कि हाउ कैन डिफाइन क्या होता है कैसे होता है। ठीक ओके दिख रहा कैसे डिफाइन क्या करेंगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। पेज नंबर आपका 8 नंबर जो आपका चैप्टर है इसमें आपका वीवीए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, दिख रहा है। अब इसको पढ़ना आप शुरू कर दीजिएगा और इसके बाद भी कुछ और चीजें हैं जिसमें लूप वगैरह के बारे में बताया है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना समझाया है, इसको आप अपने हिसाब जितना टाइम मिले उतना पढ़ लीजिएगा और आगे चल के इस बुक को आप लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके इसी बुक से कराऊंगा। तो ये बेसिकली जब हमें पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से या फिर नहीं आपका पेज नंबर 8 से कीजिए ना, पेज नंबर 8 से आपको समझना है। हालांकि पढ़ना उसे भी कर सकते हैं जिसने बुक लिखा और मैं नहीं कहता कि उसने 200 पेज ऐसी फालतू में लिख दिया है, नहीं वो ठीक है मतलब एज पर जो हमारा स्कोर, लेकिन ये है कि अभी आपको इंटरेस्ट अगर पेज नंबर चैप्टर नंबर 8 वीवीए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स से स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग नहीं। ओके ठीक है क्योंकि मैंने इस बुक को पूरा पढ़ रखा है सर। तो एक बार थोड़ा सा मैं सजेस्ट कर दीजिए क्योंकि एज पर जो हमारा रूटीन है पेज नंबर बोला आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो आपका चैप्टर नंबर 8 है पेज नंबर 8 193 क्या पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं नहीं मैं वो पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारा रूटीन है हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं आराम भी करना होता है तो उसके हिसाब से हमें बता थोड़ा बता दीजिए कि हमें डेली कितना हमें उसमें से पढ़ना चाहिए कितना पेज पढ़ना चाहिए। अब ये तो आपकी टाइमिंग पे डिपेंड है। नहीं नहीं एक्चुअली हमारे वही तो अगर हम पढ़ने बैठेंगे थोड़ा आप जितना हर चीज ध्यान में देखिए मैं जब इसको पढ़ता था तो मैं क्या करता था रात को सो जाता था और पढ़ना शुरू करता था पढ़ते सो जाता था और नींद मुझे कब आई अब मुझे 1 घंटा में नींद आ गई या 2 घंटे में आ गई कोई रात नहीं आई वो डिपेंड करता है उस समय के सिचुएशन में। तो ये हमने इसमें बोला पढ़ने के लिए जैसे कैब इसको आप डाउन इस सॉफ्ट कॉपी देने का पर्पस एक ही मोबाइल में डाल लीजिए, अगर आप कैब से जाते हैं तो आपके पास 1-1.5 घंटा कैब में तो होगा ही ना। तो बची बुझी नींद जो आप कैब में पूरी करते हैं उसमें यही पढ़ लें। ठीक है कैब में सोते तो नहीं है ना आप, कभी कभार सो जाते हैं डिपेंड करता हो कि घर पे सो पाए नहीं सो पाए। हाँ तो जो बच्ची बच्ची नींद जिस दिन पूरी नहीं कर रही उस दिन पढ़ लीजिएगा। हालांकि कजना भी नजदीक है फिर भी आपको तकरीबन 1 घंटे के आसपास की जर्नी तो होगी होगी। हाँ आराम से तो 1 घंटा आपके पास पढ़ने के लिए आराम से मिलेगा कैब में। ठीक ठीक है इसको पढ़ लीजिए, कल हम आपको वेरिएबल्स पे और ज्यादा क्योंकि वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा जान जाइएगा फिर इसको हम इस्तेमाल करना सिखाएंगे कल की क्लास में। एक्चुअली एक मुझे पूछना था। हाँ। मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसमें है ना टेक्स्ट जो टेक्स्ट फाइल्स रहते हैं ना वो इम्पोर्ट करता हूँ एक्सेल में और वो डेटा बना लेते हैं। तो वैसे ही हम जैसे कि जैसे मैक्रो रन करता हूँ तो टेक्स्ट का पाथ यानी वो एक विंडो ओपन हो जाता है और हमें वो टेक्स्ट सिलेक्ट करके हाँ वो इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ। तो वैसे एक्सेल कर सकते हैं क्या इंपोर्ट हम? हाँ हाँ कर सकते हैं लेकिन वो कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा एक्सेल है कि क्या है डेटा। ओके टेक्स्ट को रीड करने का कुछ और सिस्टम होता है एक्सेल और सिस्टम होता है तो ओके तो मैंने वो कोडिंग कॉपी कर लिया था इंटरनेट से तो वैसे एक्सेल का मिलेगा तो ठीक है चेक करता हूँ। एक्सेल तो नॉर्मल ओपन कर लीजिए इंपोर्ट क्या करना है नॉर्मल ओपन कर लीजिए। ओके कॉपी पेस्ट कर दे क्या मगर हर टाइम वो फाइल चेंज होते रहेगा ना इसलिए वो जैसे फाइल की ओपनिंग टेक्स्ट की है ना उसके जगह पे वो भी हो आप देखिए कोड में txt डाला होगा txt की जगह पे एक्सेल से डाल दीजिए एक्सेल डाल दो। ओके ठीक है चेक ठीक है ओके फ्रॉम डायरेक्टिव थैंक यू हम लोग ओके। और दूसरी चीज अगर आप लोगों को रात में 10:15 का भी टाइम अगर आपको लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना
वो भी बैच चल रहा है, आपसे दो क्लास आ गए बस। ओके तो कभी ऐसा लगा कि सुबह आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो शाम में कर सकते अगर टाइम है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके